हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो रिक्वायरमेंट है अजरबैजान का रिक्वायरमेंट है, और जो वीडियो आपने देखा है अभी, वेयर हाउस का काम रहेगा। वेयर हाउस जो कोरियर का सामान आता है शिपयार्ड से, कोरियर का सामान जहाँ पर आती है वहाँ पे जो है अलग अलग बॉक्स में पैकिंग होता है, फिर जो है सिटी के अंदर में डिवाइड होता है। वो सब काम जो है वेयर हाउस के अंदर में आपको करना है, ठीक है। और पैकिंग का है, बारकोडिंग चेक करने का है, लेबल लगाने का है, लोडिंग अनलोडिंग का काम रहता है नॉर्मली। तो ये सब काम जो है कोई भी कर सकता है, और डायरेक्ट वर्क परमिट वीज़ा है हमारे पास अजरबैजान का। और सबसे अच्छा चीज़ यह है कि इसमें कोई एडवांस पेमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वीज़ा आप चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद जो है आप पेमेंट दीजिए, उसके बाद टिकट मिलेगा। टिकट के बाद जो है एग्रीमेंट पेपर बनेगा, सारा जो है यहीं पे होगा, फिर बाकी का पेमेंट आपको धीरे धीरे देना है, ठीक है। एडवांस पेमेंट 1 रुपये भी देना नहीं है, आफ्टर वीज़ा पेमेंट देना है, आपका टिकट पेमेंट देना है, बाकी का जाने के टाइम आपको देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है अपने पास आई हुई, और सैलरी बहुत अच्छी है, 1,000 मन्नत दे रही है, जो कि इंडियन मनी आपका 50,000 रुपये होता है। और रहना खाना इसमें बिल्कुल फ्री है, और एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर के 45 साल 50 साल का बंदा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अजरबैजान के अंदर अगर आप जाते हो और आपको कंपनी की तरफ से TRC मिलती है, तो आप अजरबैजान से कुछ दिनों के बाद, TRC मिलने के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, आप कोई भी कंट्री जो है आगे मूव कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट जो रहता है TRC रहती है वहाँ पे। आपको TRC अगर मिल गया तो कोई भी कंट्री आप जो है मूव कर सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं होगा। और सस्ते में आप जो है कोई भी कंट्री, अमेरिकन कंट्री जा सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश कंट्री जो होती है, यूरोपियन कंट्री होती है, वो आराम से आप जो है मूव कर सकते हैं। अभी बेसिक सैलरी आपको 50,000 मिलेगा, और रहना खाना बिल्कुल फ्री है, 8 घंटे का ड्यूटी है, और ओवर टाइम अगर रहता है कंपनी की तरफ से तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। और ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, तो ओवर टाइम 100% आपको मिलना ही मिलना है इसमें, ठीक है। इसका जो ओवर टाइम का पैसा मिलेगा वो आपको अलग से दिया जाएगा, और ओवर टाइम अगर आपको मिल गया तो 60,000-70,000 आपका मंथली में किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो है आपका पढ़ा लिखा की ज़रूरत नहीं है, अनपढ़ लोग भी इसमें जा सकते हैं। और ACR ACNR दोनों पासपोर्ट इसमें एक्सेप्टेड है, और इंडिया से कोई भी राज्य का बंदा चलेगा, नेपाली भी चलेगा इसमें, और कोई एडवांस पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर वीज़ा आपको पेमेंट देना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप अगर अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट आपका देना है आपको, उसके बाद वीज़ा आपका आएगा, वीज़ा अप्लाई होगा, वीज़ा आएगा, वीज़ा चेक करने के बाद आप जो है बाकी का पेमेंट स्टेप बाय स्टेप जो बताएंगे आपको देना है, ठीक है। और अजरबैजान अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा भर के यहाँ से जाना पड़ेगा। गल्फ कंट्री अगर कोई बंदा जाता है, 1-1.5 लाख रुपये भर के जाते हैं, जो कि 20,000-25,000-30,000 के बीच में सैलरी होती है। यहाँ आपके 50,000 प्लस सैलरी है, 8 घंटे का ड्यूटी है, और ओवर टाइम का अलग से मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है, तो अच्छा खासा पैसा आपको भर के जाना है भाई, ठीक है। ये सोच करके आप काम कीजिए। और इसमें जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। 2 साल के अंदर आप जो है कभी भी नहीं आ सकते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो आपको 2 साल के बाद ही आपको आने को मिलेगा। और इसमें एज लिमिट मैंने बता दिया है, कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट आपको मिलेगा, पासपोर्ट का रूम आपको मिल जाएगा, और मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, और जो बोनस रहेगा वो कंपनी की तरफ से मिलेगा। रिटर्न टिकट जब आप आएंगे 2 साल के बाद, तो रिटर्न टिकट भी कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको जाना है, इसमें 2,80,000 रुपये खर्चा है, जाना है तो फटाफट अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कीजिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना।
तो जितना जल्दी हो सकता है अगर आपको जाना है कॉल कीजिए, या मुंबई में है तो एक बार मिल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।